इन तस्वीरों को देखिए, आगे आगे बिजली निगम और विजिलेंस की टीम और पीछे पीछे पत्थरबाजी करते ग्रामीण। दरअसल ये तस्वीरें करनाल के असंध का है, जहां झींडा और रतक में बिजली मीटरों से छेड़छाड़ होने की सूचना पर बिजली विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम कार्रवाई करने गई थी, लेकिन वहां हालात इतना बिगड़ गया कि बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक झींडा और रतक में बिजली विभाग को बिजली मीटरों से छेड़छाड़ की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर मंगलवार को बिजली विभाग की टीम विजिलेंस को साथ लेकर गाँव में पहुँची थी। बिजली विभाग की इस कार्रवाई के दौरान गाँव में कई मीटरों में गड़बड़ी पाई गयी। झींडा में गड़बड़ी पाए गए 16 मीटरों को पैक करके दूसरे गांव रतक ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर जाती गाड़ियों पर पीछे से ग्रामीणों ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारियों को चोटें पहुंची। बिजली विभाग की इस कार्रवाई और उन पर हुए हमले को लेकर SDO दिनेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज झींडा और रतक गांव में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? झींडा और रतक गांव में जैसे कि हमारे हर बिजली बोर्ड के हर फीटर के अलग अलग लाइन लॉसेज होते हैं, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं बिजली चोरी किस गांव में कितनी चल रही है, उनके बेस पे डिसाइड होता है। इस गांव में हमें जो हमारे लाइन लॉसेज आते हैं वो जितने परमिशेबल लिमिट है उससे ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे जो सब स्टेशन से बिजली चलती है और जितने के बिल बनते हैं उनमें डिफरेंस होता है। अच्छा जी, वो बिजली चोरी है तो उसके संबंध में हमें लगता है कि जो मीटर जिसमें गड़बड़ कर रखी है, टेम्परिंग कर रखी है, केवल उन मीटरों की चेकिंग करके उनको लैब में करनाल NMT में चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से। सर, लोगों को शिकायत है कि कहीं मीटर के साथ प्रशासन वाले ना कोई छेड़छाड़ कर दे। वो उनकी प्रेजेंस में जिसका मीटर चेक होगा उसकी प्रेजेंस में चेक होगा, उसको बकायदा जो मीटर चेंज हुआ और जो पुराना मीटर था उसके पर्टिकुलर दिए जाएंगे, उसको वहीं उसकी प्रेजेंस में उसको पैक किया जाएगा सर टेप के साथ जी। और वहाँ MNT लैब में खुलेगा और वो कहीं नहीं खुलेगा। सर, गांव झींडा में हंगामा हुआ है, किस कारण हुआ सर? उसके अभी प्रॉपर तथ्य मैं आपको नहीं बता सकता, जो भी होगा। कितने गाड़ियों से तोड़ गए जी? गाड़ी फिलहाल 2 गाड़ियों पे, जहाँ तक मुझे गया था 2 गाड़ियों से। सर, क्या रैंक आपका? मैं SDO असन नंबर 2 सब डिवीजन दिनेश ने। थैंक यू। वहीं इस मामले को लेकर करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने बताया कि इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। बिजली विभाग में पुलिस विभाग की टीम बिजली विभाग से संबंधित कार्य के लिए गांव झींडा में गई थी, जहां पर कार्य पूर्ण होने के बाद में जब टीमें वापस लौट रही थी तो कुछ लोगों ने वहां विरोध शुरू किया और जोगेंद्र झींडा, प्रताप में अन्य आरोपियों ने मिलकर के गाड़ियों पे पत्थर में ईंटें फेंकी, जिसमें 2 गाड़ियों के शीशे भी डैमेज हुए हैं और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट की भी रिपोर्ट आई है। उसी के आधार पे हमने थाना असंध में कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। IPC की धारा 332, 353, 186, 323, 427 और 506 के तहत व PDPP एक्ट की धारा 3 के तहत ये मामले दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में आज जोगेंद्र झींडा जो मुख्य आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। सर, क्या कारण रहा सर? देखिए, गाँव वालों का जो भी कुछ उनका प्रतिनिधिमंडल भी आया था, उनको उन्होंने मीटर बदल रहे थे उनका विरोध किया था, लेकिन जो गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे और जो राजकारी में बाधा डाली गई थी वो कानून के हिसाब से एक अपराध है, इसीलिए ही पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और गांव वाले जो मिलने आए थे उनको भी हमने ये बात बता दी है। इस मामले में पुलिस के पास में प्रॉपर वीडियोज़ भी अवेलेबल है, जिसमें कुछ व्यक्ति गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद थी। इस हमले में पुलिस की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी बलजीत सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद रतक गांव में बिजली निगम मीटर पैक करने का अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। रतक गांव से भी लगभग 14 सस्पेक्टेड मीटर पैक किए गए। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।